नमस्कार दर्शक बिन आज कार्यक्रम में हम चर्चा परिचर्चा करब खास करके नित भकर जे मिर्चा नगरपालिका के जे वड़ा नंबर 4 के वड़ा अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी संगे चर्चा करब जनमत पार्टी से उम्मीदवारी देने और जीत के आयल अखन धरि तो 10 महीना भुकल लेकिन मुदा सबसे पहले अपना सबके गाम घर में कि देखल जाए अपना सब देश में एक युवा नेता के आना जरूरी है युवा सबके सहभागिता होना जरूरी है अर्थात युवा भाग की काज केने वह जन्म से ते संदर्भ में केंद्रित भाग आज कार्यक्रम में हम सब बहस करब दिलीप जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। जी अपने खास कर एक युवा छे दोसर दिशा अपने जनमत पार्टी से उम्मीदवारी दिलिए कते मत से अपने जीतल रही जम्मा हमारा 535 मत आये 535 मत से जीतल रही विपक्षी के 390 लगभग 150 के हेरफेर 135-150 एने हेरफेर चुनाव में कते पैसा खर्चा केने रही अपने हमारे चुनाव में तो वह पर्चा पंपलेट से है सामान्य खर्च जनता सबके उपराग रह बगैर पाई के वोटे नहीं दी फिर अहाँ वोट किया दिल्कि देखियो स्थानीय सरकार के चुनाव में स्थानीय सरकार के चुनाव में अहाँ के जनता ओ जनप्रतिनिधि खोजे है कि मतलब ओकर बिहेवियर केहन है केहन व्यवहार के आदमी है कौन खानदान के आदमी ओकर बाप दादा कहो राजनीतिक के नहीं कि नहीं हमार सबके तो अल बाबा के जिम्मेदारी छे दू पुस्ता पहले लेकिन राजनीतिक में कोई इंटर नहीं केने छे ने वार्ड अध्यक्ष में लड़ले ने मेयर में चाहे कोनो एहन पोस्ट में नहीं तो ओहो हिसाब से शायद जनता विश्वास कलक कि एक चोटी सिंह जी के जनमत पार्टी से है सिंह जी के एक चोटी अगाड़ी बढ़ा के देखू की करे है हमरा लगे है। जी अपने के की छवि रही बढ़िया जे अपने के जीता दल के जे मतलब हम सब पहले से डॉक्टर राउत के अभियान में जुड़ल छलिए ते में हम सब कार्य करे छलिए है ना ते हेतु पार्टी में परिणत भेले 11 बूंदे सहमति भ कर डॉक्टर साहब अपने सहमति में जाकर 11 बूंदे सहमति क के पार्टी जनमत पार्टी निर्माण भेले ते के दरमियान में हमारे सबके काम कर्तव्य बाँटल गए वाडा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी छे हम 4 नंबर वार्ड के संगठन बनाओ अपन विस्तार करूँ कह के अपन एजेंडा जनता के समक्ष प्रस्तुत करूँ और ते लक हमरा सबके मतलब काम सब देख के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति शायद हमरा सबके टिकटो दिल्क और लड़े के मौका दिल्क जी। अखन देर तक जखन अपने चुनाव लड़ रही है तो अपने के घोषणा पत्र में की सब लिखने रही देखियो हमर सबके वार्ड के घोषणा पत्र नहीं छे हमर सबके नगर स्तरीय घोषणा पत्र छे हम सब झूठ नहीं बोलिए घोषणा पत्र में की सब लिखल रहे हमू ओते ओ टाइम में वही हिसाब से अध्ययन के लिए विशेष रूप से शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये सबके व्यवस्थापन के बात छे ते के लिए तो बहुमत के सरकार चाहिए मिर्चा नगर पालिका में हम सब 4 नंबर से मात्र निर्वाचित भेल 11 वार्ड मतलब कोलैप्स हो गए मतलब नहीं जीतले से कह के अर्थ है बहुमत के सरकार रहती तो वो एजेंडा लागू करती है कि शायद ते लक हम सब सबके समय प्रयास करे हमार सबके आदरणीय डॉक्टर साहब ऊपर छथिन और वो प्रयास कर रहे कि नीचा से ऊपर तह के ना के बढ़िया होते और सुशासन केना कायम हेतु समाज में ते के लिए दिन रात मेहनत कर रहे और काम भी कर रहे से समक्ष जनता देख रहा है कि डॉक्टर साहब की कर रहा है देश में तो हम सब वह पर आश्रित छे और वह हिसाब से चल रहा है। जी अपने शिक्षा और स्वास्थ्य जे रोजगार के घोषणा पत्र लिखने रहे अपने के जे स्थानीय तह के वह घोषणा पत्र लेकिन मुदा वह समेट के लगे अपने के वाड़ा में जे करने कौन हिसाब से करबे अपने सबके बहुमत नहीं है तो फिर उनका सबके अधिकार प्राप्ति के लिए कौन हिसाब लग जेबे प्रयास हमार सबके ये है कि स्वास्थ्य में कम से कम सुविधा जनता के जे पहले मिले चले सीटामोल वही सब परिवर्तन होना जरूरी है अखन तो सीटामोल बबो के पाली में सीटामोल तो वो आवाज़ बारम्बार उठ रहा है ना कार्यपालिका में भी कि कम से कम चेंज करू चेंज हो चाहिए जेना हमरा सबके शिक्षा के बात करी तो हमार सबके 5 क्लास तक मात्र है हमार वार्ड में प्रावी है आधारभूत विद्यालय कुथनमा तो अहाँ के हमार सबके स्कूल के हिसाब से कहबे ने तो स्कूल के जे जमीन छे और जते दूर में स्कूल है जना 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा में स्कूल है पर्याप्त नहीं है जना 200+ विद्यार्थी है जे हम रिपोर्ट ले छे हेड सर से तो 200+ विद्यार्थी लेकिन खेलकूद करे ला भी बच्चा के दिक्कत भ रहा है हम
नगरोस अपील करबे मेयर साहबसँ कि मद्देनजर करू आओर पाँचे क्लास तक तऽ कनि बढ़िआँ बनाबऽके व्यवस्था आओर हमरो सबके प्रयास रहतै आओर हमसब चाहै छी कि सहीमे गुणस्तरीय पढ़ाइ होइ चाहे जी। अपनेके कुथनवाके जे विद्यालयके जे चर्चा केलिए तऽ विद्यालयमे अखन धरि कए बेर गेलिए अवलोकन करै लए? मिनिमम 10 महीना भऽ गेलै ने, तऽ महीनामे 2 चोटी 3 चोटी कम्पलसरी है। 3 चोटी जाइ छी? 2 चोटी 3 चोटी कम्पलसरी, कहियो बेसियो भऽ गेल कंटिन्यू, ओहन मन भेल तऽ वार्डेमे घुमै छियै तऽ ओहने अनुगमन। शिक्षक सब टाइम पर आबि रहल छै? हँ, समयमे आबि रहल अइ। जेना अपने कहलियै विद्यालय प्रमुख मतलब जमा कहै छी 200 अथवा कते विद्यार्थी, 200+ जतेक विद्यार्थी छै, अपने जाके चेक केलियै कि ओहिमे विद्यार्थी सब रहै छै कि नहि रहै छै? रहै छै विद्यार्थी, रहै छै। हमसब ग्राउंड रिपोर्टिंग करै लए जाएब तऽ देखब अहाँ सब पूरा जनता सबके देखायब अहाँ गेल छी कि नहि गेल छी, कते विद्यार्थी सब छै कि नहि, हमसब हाजिरी सब चेक करब। विद्यार्थिये से पुछबै दिलीप सिंह अबै कि नहि ओहो कहब। नाश्ता सब खीबै छै ने कि बाल बालिका सबके? हँ, खाजाके व्यवस्था छै, दीवा खाजा जे छै ओ सबके व्यवस्था छै जी। ओ जे खाजाके व्यवस्थामे की सब खीबै छै अपनेके पूर्ण रूपसँ जानकारी छै? शेड्यूल है, शेड्यूल तैयो हफ्ता दिनके, आब सब दिनके चेंज चेंज खाना है, ताहि हिसाबसँ आब फूड आइटमके तऽ नाम था नहि, बट सब दिन चेंज कऽ कऽ, जेना दुइ दिन एकटा ताहि हिसाबसँ, हफ्तामे तऽ 6 दिन होइ, ओहि हिसाबसँ शेड्यूल है, चेंज कऽ कऽ खिबै छै जी। डॉक्टर सिंह रावतके एकटा अभियान रहै कि मतलब हमरा सबके पार्टीमे लोगल लागल लोक सबके विजनरिये रहै छै, अपने लग केहन विजन रहै आओर की चमत्कार केने छी एखन देर तक 10 महीनामे अहाँके वार्डमे? देखियौ मतलब विजन इएह है कि हमसब सबके समझ जनताके मतलब सेवा एहि हिसाबसँ दी, ओकरा नहि बुझाय कि ई हम एकटा जनता छी आओर ई जनप्रतिनिधि है, एहि लए ऑफिसके मामलामे कोनो कार्य करबो भी अबै तऽ हमसब हाथ पकड़िके काम कराबै छी। एक दोसर बात, अहाँके केहनो टाइममे ककरो समस्या पड़लै आ नहिओ फोन केलकै दोसरो जानकारी करेलकै तऽ लोक पुगै छै, कथी बात है हमरा बुते सोल्व हो नहि हो हम पुगै छियै, बल्कि अगाड़ी बात राखऽ पड़तै तऽ हमसब रखबै, कहिके तेहन हिसाबसँ हमसब इएह चाहै छियै कि डॉक्टर राउतके जे अभियान है ओहि हिसाबसँ तऽ हमरा सबके बजट एहन नहि देने छै, एके चोटी छू मन्तर कऽ के कह देबै, बट जनताके सुख पुगैवला काम एकदम प्रयास जारी रहै छै। छू मन्तरवला काम तऽ ओतेक बजट नहि छै, लेकिन सीमित तक जतेक छै ओतेक तक मन्तरके मारिके जन्तर बनौने छै कि नहि जनता जानै चाहिए? ठीक है, मतलब जनतेके निर्णय अनुसार ई मतलब जे विनियोजन भेल छै जी। अखन देर तक 10 महीनामे कोन कोन काज सबके लिए अपनेके वडामे कते बजट सब छुटियाके देने छै नगर प्रमुख जी? जम्मा अखन तऽ नगरपालिकावला वार्डके लागि बजट तऽ 45 लाख देने, 5 लाख मरम्मत सम्हार, अहाँके 3-4 कार्य है तऽ 2 कार्य। 5 लाखमे जे मरम्मत सम्हारके लेल की सब मरम्मतके लिए अखन ओ शुरू नहि केने छै हमसब, मतलब ओहन वातावरण नहि बनल छै, ओहि हिसाबसँ गप करबै कथी करऽ पड़तै ओहिके लेल, आओर ओ 5 लाख हमसब यूज करबै कहिके ओ मतलब प्रयोग करऽके लागि आदेश देतै तऽ हमसब अपन एस्टिमेट बना देबै, एहि लए ई मरम्मत करऽ पड़तै, एहि लए ई मरम्मत करऽ पड़तै, से के आशमे छै। दिलीप कुमार जी, केहन किसिमके वातावरण नहि बनि रहल छै कि सेटिंग ओतऽ नहि मिल रहल छै? नहि, हमसब चाहै छी कि जनप्रतिनिधि चाहे कोइ हो, मतलब एहि देशमे कोइ भी कोनो भी तहके जनप्रतिनिधि आबै तऽ वएह जनते द्वारा निर्वाचित भऽ के आबै, सबसे बड़का निर्णायक जनता है, तऽ हमसब चाहै छी कि ओकरासँ प्रेम भावसँ मतलब अपन वार्डमे जीवन बिताए आओर ओकर काम करी, कि ओकरा लगै कि हमर अपने बुआ है, अपने बेटा है, अपने भतीजा है, ताहि हिसाबसँ हम प्रयास केने छियै। अखन देर तक कोन काज शुरू केलिए? ढलान हमरा सबके एकटा भऽ गेल है 10 लाखवला, भरखरे राति खतम कऽ के लिए 12 बजे राति तक रहलिए, अपनो काम होइ छलै करऽवला करै, लेकिन हम स्टैंड बाय वाला देखलिए सहीमे छू कऽ कि बनिया है कि नहि, जे उपभोक्ता सब छलै जनता सब देखबियै कि नहि ठीक है, हम कहलियै कसै रहै तऽ अहाँ कहू, सीमेंट कम है, बाउल कम है, गिट्टी कम है, कथी कम है कहियौ, ओ अपन ओहि हिसाबसँ मेंटेनेंस करतै। आओर एकटा आओर काम भऽ रहल है नाला प्लस रोडके, आओर 2 काम आओर छै 22 लाखके, नालाके काम हेतै कुथनवेमे। जे काज एखन जे ढलानवला काज शुरू केने छै ताहिमे होर्डिंग बोर्ड लगौने छै कि नहि लगौने छै? होर्डिंग बोर्ड अहाँके काम तऽ ओ खतम भऽ गेलै, होर्डिंग बोर्ड नहि, जे एखन जे काम चलि रहल छै ताहिमे होर्डिंग बोर्ड लगौने छै कि नहि? काम चलि रहलै, ओ कहने छलै हम होर्डिंग बोर्ड लगेबै, लेकिन हम अखन तऽ भरि दिन आयल छै, शायद लगेने हेतै। काज तऽ पूर्ण रूपसँ सब शुरू भऽ गेल छै, ओ काज होइसँ पहिले जनताके जानकारी हुअ पड़ै ने अथीके, से किएक नहि केलियै अपने? नहि, ओ अहाँके उपभोक्ता छै, हुनका जानकारी छै पूरा, ओ अपन ओहि हिसाबसँ मेंटेनेंस करि रहल। काज तऽ अपनेके वडामे भऽ रहल छै ने दिलीप कुमार सिंह जी? जी सर। तऽ अपने एकटा
डॉक्टर सी के राउत के पार्टी से जनमत पार्टी से छे विजनरी नेता कहबे वाला सब ओ पार्टी में रहे छे, लेकिन अपने के लापरवाही के जनता की कह सके छे लापरवाही के होडी मोड नहीं लगा के अपने कार्य शुरू कर देने छे, ऐ विषय में की कह चाहबे छे? ओके लागी हम एक्सक्यूज करे चाहबे जनता से कि मतलब टेक्निकल मिस्टेक होय है सब से, लेकिन कार्य तो संपन्न नहीं भेल है। नहीं एकरा कहू ना सेटिंग के बात छे, तो मतलब जगह अखन चुनाव सब गोटा लड़त रहे छे तो पैसा कमीशन रहे छे तो खर्चा का आयल रहे छे, तो वही से जनता वही में से जते बजट रहते वही समय से कटौती कह के सब अथी कमीशन निकालत रहे से कहे जनता सबके उपराग रहे, तेना तो नहीं केने छे अपने दिलीप कुमार सिंह जी? नहीं नहीं ये बात नहीं छे, लोग के लगत होते कि एकरा खाना खाए ला नहीं पुगे छे, सही में हमरा मतलब कमे खेत है दुई गो भैंस है बाबू माई है भाई बहन है, तो एक लगत होते कि सब एहन काम करते बट नहीं खूनों में हुए कत के एहन नहीं कर के पारदर्शी के जनता के था है 10 लाख के काम है जैसे काम भरल है जनतों के था है पूरा, और अहाँ के विनियोजन के लिए तो समग्र समुदाय से वो हिसाब से विनियोजन के लिए राखे के लिए कि कथी कथी करबे अहूँ सब कनी सलाह दी आन काज कौन करबे आप तेसर? हाँ अखन प्रदेश के माननीय जी आयल छे हमारे सबके आदरणीय श्री त्रिभुवन शाह सर, तो 2-3 दिन पहले मतलब स्कूल के व्यवस्था जे हमरा सबके स्कूल नदी कात में छै कुथनवा में, तो हम हुनका कहलिए कि अहाँ अगर कार्य करबे सर अहाँ बजट दै ला चाहे छै तो स्कूल के जे वाल मतलब वाल दिए वाला बात करू, कैला कि नदी है ओहि कासे बान्हल नहीं है, अगर जे कोनो बच्चा गिरले तो अकलंग हम बोके ला नहीं चाहे छै, कैला कि काल बने कोनो बच्चा के एले समस्या हेतै पढ़ैत कला बाढ़े एले दहा जेतै तऽ ओ तऽ वार्ड पर पड़तै, तै लके मान्य जी से हम रिक्वेस्ट के लिए तर मान्य जी भी बात कल के कि नहीं स्कूल के लागी कार्य करूँ, हम कहल बात कि वार्ड के पैसा सब पर्याप्त नहीं हेतिए ते लक जनता सब कल के ताले ये काम करूँ मान्य जी लगेते तो अहाँ स्कूल में लगाओ कह के, तो मान्य जी भी मानल के बात एस्टिमेट भी कराब रहा है नाप के लगे इंजीनियर साहब के साथ आयल छे, तो हम आभारी छे कि हमार काम स्कूल के जल्दी भ जाए कि कम से कम बच्चा सब सेफ रहे, जतबीटा है वह के हम बढ़िया से प्रयोग करी वह में हमार वार्ड के बच्चा जते 200 विद्यार्थी से बढ़िया शिक्षा ले कहके धन्यवाद भी दिला चाहबे मान्य जी जी। जाड़क मासक में जे दलित समुदाय के लिए की सब काज सब के लिए उनका सब की सब वितरण केने रही अपने? देखियो हम सब व्यक्तिगत वितरण नहीं केलिए, नगर पालिका के स्वामित्व तो में नगर पालिका जे लोल के मतलब बूट जकरा कहे हम अहाँ जरना तो अहाँ के पूछल गए कि कौन कौन ठाँ में राखि दी है ना, तो ओना जब कहबे नहीं तो हमार सबके एकटा गाँव है 8-9 कुथनमा बड़का गाँव है, लेकिन 9-7-8 कुथनमा है सॉरी और 8-9 नंबर है मिर्चिया जो 3 वार्ड मिलकर 1 वार्ड बनल है 4, तो अहाँ के एनिका टोल कनी बेसी टुकड़ा है, तैयो वही हिसाब से मेयर साहब अपनो हिसाब से और जे मतलब प्रोवाइड करे छले जरना वो संपर्क कह के कौन राखा पड़ते ते हिसाब से हम सब ठाँ ठाँ में सके समय रखे लिए जरना जे जारन रखने रही अपने तो कते के मतलब अखर बजट रहे जारन मात्र जरना के बजट तो नगर पालिका सोने के नहीं है कि इतने के जरना के बजट चले हमरा सबके लागल कि मतलब जना कोई अनुदाने में दे वाला अब केकरो 10 गाछ कटल है बूट निकाले ला है तो ओकरो खेत खाली भऽ जेतै तै के ओहनो कऽ के लबै छलै कि कते सहयोगो में दै छलै ला जाओ ई बूट उखाड़ के और दियो तेहन अपना सबके चर्चा करी तो मधेश में सबके गाम घर में तो जारन तो भेटे जाइ छै मुदा कमर सुरक्षा वितरण करबा के चाहे से किया निकलि के मतलब ओतऽ मतलब सेटिंग नहीं रही कि केना? देखियो वाड़ा के बात करी तो वाड़ा में पर्याप्त बजट नहीं छलै हमरा सबके 45 लाख छलै, हम सब बजट विनियोजन कऽ देने छलै, हम सब फर्स्टे टाइम अयली हँ हमरा सबके जे हिसाब से जे एजेंडा देने हैं डॉक्टर राउत ओहि हिसाब से हम सब करे ला चाहबे तो सक्सेसफुल नहीं होते जनता। डॉक्टर सी के राउत की एजेंडा देने छे अपने? मतलब बहुते है बुंदा लेकिन अखन तो बिसरि गेल छी मोबाइल में देखा पड़ता है नहीं कोई बात मुँह सके भाई जेते नहीं जना बहुते है नहीं कि वार्ड में करे वाला कार्य जना भ गेलै अहाँ के कथी के जना क्लोथ बैंक शुरू करू है ना, जना कह के भ गेलै अहाँ के जे गरीब आदमी सबके नहीं पुगे छे खाना खाइला तो सामूहिक एकटा की कहे छे हुनका मेस हॉल व्यवस्था करू अपन वार्ड में, तर हम सब देखलिए तो ओहि हिसाब से पर्याप्त नहीं छले, तै ल क जनता के समक्ष राख के हम सब कहलिए कि काम करबे तो जनता कहल के हमरा सबके ई काम ई काम करे पड़ते से अपना सबके भौतिको संरचना नहीं भेल है अखन तक जे कहबे दोसर वार्ड जिका जे 4 नंबर वार्ड में भौतिक संरचना जना धूल मिट्टी है
जेना ढलान के व्यवस्थापन रहे तो जनता के मांगो भी उ कि ठीक है मतलब पहले यो कल जाए कनी वो बेस दिक्कत है जेना हम सब वही टाइम में आषाढ़ सावन टाइम में अनुगमन भी के लिए कोई बोलबे तो हम सब इतने पानी हेल के गलिए लेकिन काल्हे हम ढलान क के लिए तखनी रोड फर्स्ट क्लास लगे छे। जी दिलीप कुमार सिंह जी अपने के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी युवा रोजगारी के चर्चा केने रहे व्यापक रूप में अपने के डाटा सीख रहा तो लेकिन अपने वाडा भी जीतल छे लेकिन अपने के वाडा नंबर चार में कोना का सीज ना करबे युवा सब के रोजगारी के से के लागि जे हमर सब के सर दे आदरणीय डॉक्टर साहब छथिन मान्य जी वो कार्य में लागल छे निरंतर प्रयास कर रहल छे कि केना के मतलब होते देश में परिवर्तन केना होते स्वरोजगार केना अपने देश में पौते अब ऊपर से वही सिस्टम वही हिसाब से सिस्टम मिला रहा है शायद वाडा में चाहते वाडा नहीं कर सके वाडा के ओहन कोनो पावर और मतलब अधिकारों भी नहीं है जी। युवा सब बेरोजगारी के कारण से लागू पदार्थ दिशा जा रहा है एक सबके न्यूनीकरण करे के लिए की सब करवाक चाहिए अपने के हिसाब से एकटा युवा के हिसाब से हमारे विचार में ओहन अभियान चलबा चाहिए वाडा में कि लागू औषध सब नहीं प्रयोग करूँ और हम सब मतलब प्रशासन के भी अलर्ट करे ले चाहे छे कि ओहन सब के अहाँ सहयोगो नहीं करूँ कि लागू औषध प्रयोग करते अहाँ के थाना में जाए आ कल बने जाके अहाँ छोड़ दीजिए ओकरा तो अगर मन बढ़े तो कल बने कथी करे आदत हो जाए तो प्रयोग करे भाई जाए छे तो थाना में छोड़े कहके कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो चाहिए और विशेष समस्या तो अहाँ के जैसे पार हो वही रहे ने तो ओहो तो चेक जाँच अहाँ के प्रशासने करे ने तो हम सब इहे कहे ले चाहब कि निगरानी बढ़िया से करो वो चीज मतलब अवैध चीज अपन देश में नहीं आवा चाहिए जे हिसाब से कमती हिसाब से हेतु तो प्रयोगों में कमी हेतु और रसे रसे खत्म होते जी। अपने के जे बजट आयल छै का का बजट से अपने के पूर्ण रूप से का सफल भयते कि ना एबेर अधूरा का सब पूरा सब की सब करे के संभावना छै बजट में अखन आयल छै से बजट में तो हम सब तो ढलान के योजना देने छै नाला सब के पूर्ण तो कमीशन बेसी होय छै ये बात नहीं है छनौट जनते केने हम व्यक्तिगत छनौट नहीं केने जे योजना छनौट जहिया भले सामूहिक रूप से जनते छनौट केने विद्यालय में जो अपने रखल कुथनवा में समस्या छे वो समस्या पहले करवाक चाहिए वही पर किया ने अपने ध्यान दिले मतलब एना भ गए कि सर अहाँ के जखनी छनौट हो वाला बात भले ने तो अहाँ के जनता के आक्रोश अनुसार जनता के चाहना अनुसार चल पड़ते आखिर वह जनता ओ जन प्रतिनिधि के ओहि जगह पर पुगबे ते लगे हम कहे ठीक है हमारे तो एम इो छे ना कि अगाड़ी चुनाव भ रहा है शायद हमारे मतलब ऑटोटो चले कि अ पालिका से अ क्षेत्र से एक टन निकलते वही हिसाब से संगठन में हम सब जोरदार लगने चले ते हेतु लगले मान्य जी कहलो हाँ मान्य जी आबके नपल के हम पहले स्कूल के जे दिक्कत है वो कहीं घेराव कि कल मैंने बच्चा सबके समस्या ना है जी। अंत में संपूर्ण दर्शक बिन सब कार्यक्रम से देख रहा हूँ उनका की संदेश देव चाहे दिलीप कुमार सिंह जी वह सबके हम विशेष इहे कहला चाहब कि मतलब खास अपन वार्ड के जनता के वार्ड नंबर चार के जनता के कि अहाँ के कोनो एहन कार्य छे तो निधोक एनी टाइम हर जगह हमर नंबर है अपना नहीं है अड़ोसियों पड़ोसी मांगू दिलीप सिंह के नंबर देते ओहन समस्या पड़े तो फोनो करू और अपन बेटा जी का अपन बुआ जी का हमरा हाथ पकड़ के काम करो सही में नियमों के जत्ते दावे हैं ओते रस निकले कि हम चाहे छे कि कूदाओ हमरा लेकिन मतलब सही दिशा हो चाहे हम निरंतर सहयोग करबे ओकरा और मतलब सद्भाव के साथ कार्य करबे ओकर और धन्यवाद भी दिला चाहे छे कि हमरा ए जगह पर पुगल के जनता जनार्दन ओहि के लेल कोटि कोटि नमन अपनो तरफ से अपन पार्टी के ओर से भी और बस धन्यवाद जी। दिलीप कुमार संग हम विदा हो छी कार्यक्रम से वीरेंद्र कुमार नमस्कार।